एटलीस्ट जब से मैंने ज्वाइन किया है इट हैज़ बीन टॉप ऑफ द चार्ट सो ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस शो टू ज्वाइन ऑफ कोर्स मैं चुन के ही शो करती हूँ बिकॉज आई फील माय कैलिबर डिजर्व्स द शोज दैट आई डू जब भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है या मेरे को एक्सप्लेन किया जाता है सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट सिर्फ वेडिंग एंड कॉकटेल ही शूट किया है सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग आई होप इट लुक्स नाइस एंड दैट्स ऑल दैट आई कैन रियली से राइट नाउ जब आपको बोला गया था कि आपको बिकॉज शी इज अ वेरी मॉडर्न कैरेक्टर शी इज अ फोटोग्राफर न्यूयॉर्क में रहती है शी इज नॉट लाइक अ although I like typical mainly also but she's really like a nice cute girl a very relatable character so isliye maine kiya and obviously other show is like always you know at least jab se maine join kiya hai it has been top of the charts so of course it's a nice show to join and I think mera caliber is tarike ke show ko deserve karta hai that is why I joined the show लंबा समय हो गया इंडस्ट्री में यू नो या बहुत चुन चुन के अपने काम को करती हैं आप कितना खुद में बदलाव देखती हैं तब और अब में आप कितना चेंजेस आप महसूस करती हैं ऑफ कोर्स मैं चुन के ही शो करती हूँ बिकॉज आई फील माय कैलिबर डिजर्व्स द शोज दैट आई डू वरना तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं और सभी बोलते हैं आई थिंक आई से सो मच नो ऑन द फोन कि कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ आई थिंक द डिफरेंस इज दैट मैं आज ही सुबह किसी को बोल रही थी दैट एक्टिंग इज़ अ क्राफ्ट और क्राफ्ट जो होता है वो हल्के हल्के ही बेटर होता है सो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी अडेप्टेबल नाउ तो जब भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है या मेरे को एक्सप्लेन किया जाता है सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू डू दैट आई मीन ऑफकोर्स not the filming part but I think it's easier for me to maneuver the skills of an actor kabhi reality show mein jaane ka nahi sochte नहीं या वाई नॉट आई डोंट नो देर आर कितने टाइप के रियलिटी शोज आते हैं सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द बेस्ट थिंग्स लाइक आई सेड आई एम चूजी तो कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी तो आई डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी ना स्विमिंग आती है ना गाड़ी चलानी आती है ना हॉर्स राइडिंग आती है या इफ देर रेडी टू टेक मी स्टिल आई विल गो फॉर इट ओके टू ऑल माई व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप ऑन वॉचिंग अनुपमा एंड प्लीज शावर अस विद ऑल योर लव एंड हम बहुत मेहनत करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द ऑडियंस रिएक्शन इट रियली मेक्स मी यू नो मोर व्हाट कैन आई से आई बिलीव इन माई क्राफ्ट मोर नाउ थैंक यू लुक के बारे में थोड़ा बता दिस इज क्योंकि हम शूट कर रहे थे मेरे पास यही था बट इट्स जस्ट नाइस एंड क्लासी एंड द ग्रीन कलर इज फॉर इफ्तारी थैंक्स थैंक्स